नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरमाली भाषा के संज्ञा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम संज्ञा तथा उसके प्रकार के बारे में संक्षेप में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद संज्ञा से रिलेटेड कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण हैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, संज्ञा को कुरमाली भाषा में क्या कहा जाता है? बाना या आंगा। और संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा या कुरमाली में बाना या आंगा कहा जाता है। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं कुरमाली में? तो टोटल 5 प्रकार हैं। तो सभी जितने भी प्रकार हैं उसका हम बारी बारी से परिचय करवाते हैं। पहला दोस्तों, संज्ञा का जो पहला प्रकार है वो है झनगीवाचिक बाना या आंगा। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है? किसी एक खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो रहा है। जैसे राम से किसी एक खास व्यक्ति जिसका नाम राम है उसी का बोध हो रहा है, और पटना का यदि एग्जाम्पल लिया जाए तो पटना एक खास शहर का इससे बोध हो रहा है। दूसरा प्रकार है गठवाचिक बाना या आंगा। इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका उदाहरण है गाय, नदी, पहाड़। दोस्तों, इन उदाहरणों को देखने से हमें क्या पता चलता है? जैसे गाय बोला जाए तो पूरा दुनिया में जितनी भी गायें हैं उन सारी गायों का बोध होता है। नदी बोला जाए तो पूरा दुनिया में जितनी भी नदी हैं उन सारी नदियों का बोध होता है। और पहाड़ बोला जाए तो पूरा दुनिया में जितनी पहाड़ हैं उन सारे पहाड़ों का बोध होता है। संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है देरीवाचिक बाना या आंगा। इसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे पानी, दूध, सोना, लोहा। इन उदाहरणों को देखने से हमें क्या पता चलता है? जैसे पानी, इसको भी गिना नहीं जा सकता है, दूध को भी गिना नहीं जा सकता है, सोना को भी नहीं गिना जा सकता है, और लोहा को भी नहीं गिना जा सकता है। तो द्रव्यवाचक बाना या आंगा में क्या होता है? इसमें ऐसे वस्तुएँ आती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, बल्कि उसका वजन किया जाता है या उसको कोई वर्तन में उसको मापा जाता है। संज्ञा का जो चौथा प्रकार है वो है डिंगवाचिक बाना या आंगा। तो डिंगवाचिक बाना या आंगा को हिंदी में क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे गरुगट मेला। तो इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि इससे एक समूह का बोध होता है। डिंगवाचिक बाना या आंगा में क्या होता है? एक भीड़ या समूह का इससे बोध होता है। संज्ञा का जो पांचवा प्रकार है वो है ध्येयवाचिक बाना या आंगा। तो इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे जवानी, बुढ़ापा, तेज, धीरे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे किसी व्यक्ति के भाव का पता चलता है। तो इसको याद रखिएगा, ध्येयवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या क्या है? जवानी, बुढ़ापा, तेज, धीरे। दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखते हैं संज्ञा से जुड़े हुए कुछ सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कुरमाली भाषा में। दोस्तों, पहला सवाल है गाय कौन वाचिक बाना या आंगा हेके। गाय कौन वाचिक बाना हेके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गठवाचिक बाना। क्वेश्चन नंबर 2, पहाड़ कौन वाचिक बाना हेके। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गठवाचिक। दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ यदि बोला जाए तो दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं उन सारे पहाड़ों का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है राम कौन वाचिक बाना या आंगा हेके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झनगी वाचिक बाना। यानी कि राम बोला जाए तो किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, और झनगी वाचक संज्ञा के अंतर्गत राम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवसान कौन वाचिक बाना हेके। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ध्येय वाचिक। अगला क्वेश्चन है
पानी कौन वाचिक अंगा है के? तो इसका उत्तर है देरिब वाचिक। दोस्तों पानी क्या होता है, इसको गिना नहीं जा सकता है, बल्कि इसको कोई बर्तन से इसको नापा जाता है, तो पानी देरिब वाचिक बाना है। क्वेश्चन नंबर 7, छागेर कौन वाचिक बाना है के? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गॉट वाचिक। दोस्तों यहाँ पर छागेर यानी कि जो बकरी होता है, छागेर बोला जाए तो दुनिया में जितने भी बकरी या छागेर हैं उन सारे बकरियों का बोध हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है गठवाचिक बाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गरुगट कौन वाचिक बाना है के? तो इसका सही उत्तर है डिंग वाचिक। गरुगट डिंग वाचिक यानी कि समूहवाचक संज्ञा। गरुगट से हमें क्या पता चलता है, इससे एक कोई समूह जानवरों के समूह का बोध होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल कौन वाचिक बाना है के? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, देरिप वाचिक। दोस्तों तेल को, ये लिक्विड है, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसको बल्कि बर्तन से नापा जाता है, तो यह एक देरिप वाचिक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुर कौन वाचिक बाना है के? कुकुर कौन वाचिक बाना है के? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गॉट वाचिक। दोस्तों कुकुर यानी कि कुत्ता बोला जाए तो पूरे दुनिया में जितना कुत्ता है उन सारे कुत्तों का बोध होता है, तो यह एक गॉट वाचिक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी कौन वाचिक बाना है के? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गॉट वाचिक। क्वेश्चन नंबर 13, फुर्ती कौन वाचिक बाना है के? तो इसका उत्तर है धेय वाचिक। दोस्तों फुर्ती क्या है, एक मनुष्य का भाव है और इससे मनुष्य का भाव उसकी स्थिति का पता चलता है, तो ये ध्येयवाचिक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट कौन वाचिक बाना है के? तो हार्ट क्या होता है यानी कि बाजार, तो इस ये एक समूह है, व्यक्तियों का समूह होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिंग वाचिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नून कौन वाचिक बाना है के? तो इसका उत्तर है देरिब वाचिक। दोस्तों नून क्या होता है, इसको भी गिनना मुश्किल है, इसको भी वजन किया जाता है इसका, तो यह देरिब वाचिक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 15, छागेर गॉट कौन वाचिक बाना या आंगा है के? तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी, डिंग वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआनी कौन वाचिक बाना है के? तो सही उत्तर है धेय वाचिक। खुखड़ी कौन वाचिक बाना है के? तो इसका सही जो उत्तर है गॉट वाचिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल कौन वाचिक बाना या आंगा है के? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, देरिप वाचिक। दोस्तों दाल को भी गिनना मुश्किल है, यह बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, तो यह देरिप वाचिक संज्ञा है। गोरु कौन वाचिक बाना या अंगा है के? तो गोरु क्या है, गॉट वाचिक यानी कि जाति वाचक। गोरु बोलने से दुनिया में जितने भी गोरु हैं उन सारे गोरुओं का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला कौन वाचिक बाना है के? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिंग वाचिक। हाथी कौन वाचिक बाना है के? तो दोस्तों हाथी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा को कुरमाली में क्या कहा जाता है, गॉट वाचिक बाना या अंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरमाली बाना या अंगा कौतिक रोकमेक रहेगला, यानी कि कुरमाली में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार, जो पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौर संज्ञा के कुरमाली किना कहथिक? तो इसका उत्तर है बाना या आंगा। दोस्तों संज्ञा को कुरमाली में क्या कहा जाता है, बाना या आंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने कुरमाली भाषा के संज्ञा के बारे में हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ कुछ
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हल किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।